वो 23 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा कठिन 23 दिन है। आई लॉस्ट माई फादर इन 2021। पापा का ये बहुत ज़्यादा सपना था कि हमेशा वो मुझे मोटिवेट करते रहते थे कि जय तुम IAS कर सकते हो और तुम्हें मुझे वो सारी क्वालिटीज़ दिखती है। तो उस अटैम्प्ट में मैंने थर्ड अटैम्प्ट था वो मेरा और मैं उस अटैम्प्ट पे प्रिलिम्स दिया मैंने एंड आई मिस्ड बाई 0.6 मार्क्स। तो मैं और क्या कर दूँ कि UPSC में मेरा नाम आ जाए, मुझे बस ये लगने लगा था कि लिस्ट में मुझे अपना नाम देखना है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जय बारंगे। आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 587 इन UPSC 2022। दिस वॉज माई फोर्थ अटैम्प्ट। इन द प्रीवियस अटैम्प्ट आई कुड नॉट क्लियर द प्रिलिम्स। माय जर्नी ऑफ UPSC स्टार्ट्स फ्रॉम 2008 व्हेन माय सिस्टर शी गॉट सेलेक्टेड इन एज डेप्यूटी कलेक्टर इन MBPSC एग्जामिनेशन एंड व्हेन वी सॉ द जॉय एंड द हैप्पीनेस ऑन द फेस ऑफ ऑल माई फैमिली मेम्बर, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था उस वक्त और मुझे लगा था कि मेरी अगर बुआ की बेटी कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ आगे चल के। और उस समय समझता नहीं था कि क्या होता है MBPSC UPSC क्या होता है, तो बस एक मन में बना लिया था कि करना है इस एग्ज़ामिनेशन को। तो 12th के बाद मैंने BSc ऑनर्स किया फिज़िक्स में एक्सेलेंस कॉलेज से और सिंपल ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि हाँ अब मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है और मैं उसी के लिए भोपाल में रह के मैंने पढ़ाई करी इनिशियल डेज में। कोविड के टाइम पे इनिशियल अटेम्प्ट में मेरा प्रिलिम्स में GS निकल गया था पर CSAT में आई फेल्ड बाय फ्यू मार्क्स, तो वो मेरे लिए पहले ही अटेम्प्ट में एक सेटबैक था कि मेहनत अगर इतनी करी और फिर मैं छोटे से मार्जिन से CSAT से अगर रह गया हूँ, तो आई फेल्ट वेरी डिजेक्टेड एट दैट टाइम। और कोविड के ईयर्स में उस टाइम पर थोड़ा सा मेरी फैमिली में प्रॉब्लम हो गया था कि माय फादर वाज डायग्नोस्ड विद कोविड, तो उस समय हमको हॉस्पिटल जाना पड़ा था एंड आई लॉस्ट माय फादर इन 2021। इट वाज 2021 व्हेन माय फादर पास्ड अवे बिकॉज ऑफ कोविड एंड माय फैमिली एंड आई वी वर शैटर्ड। वी कुड नॉट बिलीव व्हाट हैज़ हैपन टू अस, हम नहीं विश्वास कर पा रहे थे। वो 23 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा कठिन 23 दिन है और उस टाइम पर जो जो चीज़ें हमने फेस करी थी माय होल फैमिली, कभी लगता था कि पापा की तबीयत में सुधार है, कभी लग रहा था कि नहीं अब सिचुएशन ख़राब हो रहा है, बट इवेंचुअली हमारे साथ उस समय यह हुआ और हम बहुत ज़्यादा फैमिली में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी उस टाइम पे। माय फादर वाज अ टीचर, तो मतलब पापा का ये बहुत ज़्यादा सपना था कि हमेशा वो मुझे मोटिवेट करते रहते थे कि जय तुम IAS कर सकते हो और तुम्हें मुझे वो सारी क्वालिटीज़ दिखती है। तो उस अटैम्प्ट में मैंने थर्ड अटैम्प्ट था वो मेरा और मैं उस अटैम्प्ट पे प्रिलिम्स दिया मैंने एंड आई मिस्ड बाय 0.6 मार्क्स। तो वो पर्सनली भी और इवन एजुकेशन UPSC की तैयारी में भी वो मेरा फेस आई थिंक द लोएस्ट फेस था और वहाँ से निकलने में मेरे फ्रेंड्स ने मेरी फैमिली ने मुझे उस टाइम पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप इतने छोटे मार्जिन से निकलते हो तो कभी कभी आप अपने लक को भी कोसने लग जाते हो कि क्या मैं नहीं बन सकता कभी। तो सारे थॉट्स मेरे दिमाग में भी उस वक्त आए थे और मुझे लगा था कि कैसे मैं और क्या कर दूं कि UPSC में मेरा नाम आ जाए, मुझे बस ये लगने लगा था कि लिस्ट में मुझे अपना नाम देखना है प्रिलिम्स में। तो मैंने बहुत मेहनत करी उसके बाद, अपने दोस्तों के साथ छोटा सा ग्रुप बना के पढ़ाई भी करी, मोटिवेटेड रहे हम लोग, वो लोग हमेशा मेरा असेसमेंट करते रहते थे, मेरे दोस्तों ने इमोशनली भी मुझे मदद करी उस समय। और मैंने वहाँ पर ये जाना कि UPSC की तैयारी में ना सिर्फ हमको एग्ज़ाम की तैयारी करना रहता है, हम खुद को भी समझते जाते हैं। तो जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, सेल्फ एनालिसिस है, सेल्फ अवेयरनेस है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज मुझे लगता है कि हर एक इंसान जो UPSC की तैयारी कर रहा है वो जानेगा। और उस फेज के बाद मुझे ये समझ आ गया था कि इमोशनल स्टेबिलिटी तो मैं अपने अंदर डेवलप कर लिया हूँ और इसीलिए अब मैं UPSC निकाल सकता हूँ। तो मैंने वो अटैम्प्ट बहुत अच्छे से पढ़ के पूरे प्रीवियस ईयर पेपर्स को पढ़ के दिया एंड मेरा प्रिलिम्स काफ़ी अच्छे मार्जिन से मेरा हो गया था एंड मेंस में भी मैंने घर पे बैठ के आराम से तैयारी करी और मेरे फ्रेंड्स को मैं आंसर स्कैन करके भेज देता था। उस समय मैंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी थी एंड वो मैंने लिखे भोपाल में रह के ही। और इवेंचुअली जब मेंस में भी नाम आया तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी थी कि हाँ चलो अब इंटरव्यू देंगे, क्योंकि हर एक एस्पायरेंट का सपना होता है कि हमें इंटरव्यू देना है, UPSC के सामने वो फ़ोटो खिंचाना है। तो मेरा भी वही सपना था, मैं गया इंटरव्यू, बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था मेरा इंटरव्यू का भी। एंड जब नाम आया लिस्ट में तो आई वॉज़ वेरी रिलीव्ड कि चलो ठीक है, आई एम गेटिंग अ पोस्ट इन UPSC
एंड इवेंचुअली आगे देखते हैं और क्या ट्राई कर सकते हैं. बट येस, यूपीएससी की जर्नी ये बहुत एक बहुत पेशेंस का काम, परसिस्टेंस का काम, बहुत सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर डाल देता है. मैंने जब तैयारी स्टार्ट करी थी तो केएसजी में मैंने फाउंडेशन कोर्स किया था. 2019 में फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट हुआ था और केएसजी के टीचर्स खान सर सभी बहुत मोटिवेटिंग थे, बहुत अच्छे से पढ़ाया था और बहुत एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मेरा केएसजी से बना था. जब मैंने प्रिपरेशन 2018 में स्टार्ट करने का सोचा था तो आई फाउंड कि केएसजी भोपाल मेरे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन था उस समय. एंड वहीं से मैंने अपना फाउंडेशन कोर्स किया. 2019 में वो कंप्लीट हो गया था फाउंडेशन कोर्स. एंड बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा एक फाउंडेशन मेरा वहाँ पे बिल्ड हुआ. एंड खान सर एंड ऑल द टीचर्स ऑफ केएसजी बहुत ही सपोर्टिव थे, बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाया था उस वक्त. तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करने का सोचा था तो उस वक्त मुझे ये पता था कि मुझे भोपाल में रह के ही प्रिपरेशन करनी है. और उस वक्त मैंने वहाँ पे ऑप्शंस देखे और केएसजी मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन वहाँ पर लगा था. तो केएसजी भोपाल से मैंने अपना फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट किया 2019 में. और सभी टीचर्स एंड खान सर बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग थे और बहुत एक अच्छा फाउंडेशन मेरा केएसजी से बिल्ड हुआ. उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज़ भी करी थी वहाँ पर. एंड ओवरऑल बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा था केएसजी से. यूपीएससी में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेशेंस और परसिस्टेंस रखना, अपने ऊपर विश्वास रखना. क्योंकि ऐसा होता है कि हम अपना बेस्ट देते हैं, हम अपने अटेम्प्ट्स में सबसे ज़्यादा मेहनत करके जाते हैं, बट देयर मे बी सर्टेन एरियाज़ जहाँ पे हमने शायद उतना वर्क नहीं करा या हमारे लक उस वक्त नहीं था, तो हमारा अगर नहीं हो सकता है, ऐसा होता है. बट उस समय अपने आप पे विश्वास रखना है, होप नहीं खोना है और अच्छे से अपनी गलतियों को समझते हुए अगले अटेम्प्ट में अच्छे से मेहनत करना है. एंड डेफिनेटली ये भी ज़रूरी है कि आप एक अटेम्प्ट निर्धारित करिए कि इस अटेम्प्ट तक के ही मुझे मैक्सिमम जाना है. तो एक अच्छा प्रेशर रहता है वो कि आप उसमें अपनी मेहनत अच्छे से कर सकते हो और आगे भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो. साथ में दूसरी लर्निंग मेरी ये है कि इमोशनल स्टेबिलिटी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस प्रिपरेशन में. क्योंकि हर दिन ज़रूरी नहीं है कि हमारा एक जैसा जाए, हर दिन हम मोटिवेटेड नहीं रह सकते. कभी कभी हमें लगता है कि हम क्यों इस तैयारी में कर रहे हैं, मेरे दोस्त तो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, मेरे साथ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, पर्सनल ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो रही है, या मैं उतना अच्छा नहीं पढ़ पा रहा हूँ. तो मुझे लगता है कि उस वक्त अपने आप पे विश्वास दिखा के, अपने प्रिपरेशन पे भरोसा दिखा के मेहनत करते रहना है और स्मार्ट वर्क भी साथ में इंक्लूड करना है, इमोशनल स्टेबिलिटी रखना है. थैंक यू. हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसीलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में. तो इसीलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया केजीआईएस के खान सर को. शायद खान सर और केजीआईएस की तो इंट्रोडक्शन देने की ही ज़रूरत नहीं है. देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसजी. सृष्टि जैन देशमुख, शायद आपने नाम सुना हो, सर की ही स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने 2018 में AIR दैट इज़ ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल की थी. उनके एक और सिलेक्टेड कैंडिडेट शुभम कुमार, जिनका 2022 में ऑल इंडिया रैंक 41 आया था, उन्होंने एक जोश टॉक्स भी दी है. उनके और बहुत से स्टूडेंट्स ने भी जोश टॉक्स दी हैं जो कुछ ही टाइम में रिलीज होंगी. तो जोश टॉक्स ने खान सर से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं. और मुझे बहुत ही खुशी है हम सब के साथ ये बात शेयर करने की कि खान सर मान गए हैं. वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी अब हम सब अफोर्ड कर पाएंगे. ये हेल्प वैल्यूबल है सबसे ज़्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते. जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं. जब आपको कॉल आए तो प्लीज़ मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए. जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है. जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था. जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर ज़िंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने देती. लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस बनने के सपने से रोक नहीं सकती.
जोश टॉक्स एक बड़े भाई या बड़ी बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दे, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।